फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली जो टॉपिक था हमारा, जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने 4.1 को समाप्त किया था। आज हम 4.1 का उदाहरण, पहला उदाहरण वो पढ़ेंगे, और उसका पहले उदाहरण का पहला पार्ट। तो देखिये, वो वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है ना, बहुत अच्छे से समझना। तो देखिये, उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो आपको स्थिति दी है दो, उनको किसमें व्यक्त करा रहे हैं, ये गणितीय रूप में। लेकिन अगली प्रश्न वाली 4.2 में आपको दूसरे सवाल में ही दिया है कि उदाहरण नंबर एक की स्थितियों को हल कीजिए। तो वहां भी हल करना है जाके, और यहाँ भी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको हल कराऊंगा, और वो सवाल यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उदाहरण। मैंने जो इसकी पहला जो स्थिति है, जो पार्ट है, वो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, आप बोर्ड पे पढ़िए। अब मैं इस पे लिख कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और ये आप अपनी किताब में पढ़िए। तो देखिए, पहला क्या दिया है, अच्छा सवाल है बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए क्या है उदाहरण नंबर एक का पहला पार्ट। चलिए, दिया है जोन और जीप्ति दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंच है। एक लड़का है जोन और एक लड़की है जीप्ति, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली, जो आप खेलते होंगे बचपन में, है बेगोली, ठीक है। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों ने पांच पांच कंचे खो दिए, और अब उनके पास बचे कंचों की संख्या का गुणफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक लड़का है जोन और एक लड़की है जीप्ति, उनके पास दोनों के मिलाकर 45 कंचे हैं, और दोनों पांच पांच खो देते हैं, तब उन कंचों की संख्या का गुणफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि उनके पास प्रारंभ में कितने कितने कंचे थे, ये बात आपसे दी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको कलना है आप उसे ही मानते हैं, ये मैंने पहले बताया, ठीक है। तो चलिए, हम मानेंगे कि माना जोन के पास कंचों की संख्या बराबर x। देखिए उत्तर, माना जोन के पास कंचों की संख्या बराबर x। देखिए, हमने मान ली कि जो जोन है लड़का, उसके पास कितने कंचे हैं, वो x है। तो जीप्ति के पास कितने होंगे, देखिए जीप्ति के पास कंचों की संख्या ऐसी लिख लेंगे, ठीक है, बराबर कितनी है, टोटल 45 है। तो 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर तो 45 ही है ना। अगर हमने x दिए हैं जोन को, तो 45 में से x काल दो, बची जीप्ति के पास, ठीक है। तो ये बात यहां से क्लियर होगी। चलिए, अब उन्होंने क्या करा, पांच पांच कंचे खो दिए, तो पांच कंचे खो देने पर जोन के पास बचे कंचों की संख्या बराबर, देखिए जोन ने पांच कंचे खो दिए, अब थे कितने, एक्स थे ना भाई, तो एक्स माइनस पांच। इसी तरीके से निकालो जीवति के, पांच कंचे खो देने पर जीवति के पास बचे कंचों की संख्या बराबर, अब जीवति के पास कितने बचेंगे, थे कितने पहले वो देखो, इतने थे 45 माइनस एक्स, पांच और खो दिए, तो देखिए 40 में से पांच जाएगा, सॉरी 45 में से पांच जाएगा 40 माइनस एक्स, ये बचे जीवति के पास। अब इसने एक शर्त दी है कि ऐसा होने जाने के बाद दोनों की संख्या का गुणफल 124 हो जाता है। तो चलेंगे प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न अनुसार x माइनस
पांच ब्रैकेट 40 माइनस एक्स बराबर कितना 124। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये कम चल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा फिर, है ना। चलिए अब इसकी इसे हल करेंगे, इस किससे बड़ा होगी 40 एक्स, इस किससे होगी माइनस के एक्स स्क्वायर, इस किससे होगी तो देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा और माइनस का 200। ठीक है, 4 पंजे 20 जीरो, ऐसे इस किससे होगी माइनस माइनस 5 एक्स बराबर 124। देखिए ये इधर लाइए, माइनस के एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे घास सबसे बड़ी, ये 40 एक्स, ये 5 एक्स हो गए 45 एक्स, चौबीस ये लाइए माइनस के 200, ऐसे ही माइनस के 124 बराबर जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस के 45 एक्स ऐसे ही, माइनस 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 के कितने 324 बराबर जीरो। इसमें माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि ये माइनस का नहीं रहता एक्स, तो माइनस लिया कॉमन, माइनस का एक ले लीजिए। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस के 324 बराबर जीरो, ये जीरो में चला जाएगा एक, तो कुल मिला के क्वेश्चन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स प्लस के 324 बराबर जीरो। तो ये क्वेश्चन बन गई मेरी। देखिए ये जो समीकरण आई है इन्होंने असल में ना इस उदाहरण में इतनी मांगी है, देखिए शुरू में कहा ना कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने कर दिया, लेकिन ये फिर हमसे आगे हल करने वाला है 4.2 में, तो हम यहीं पर हल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, वहां नहीं करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए इसे हमें रब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे हल करूंगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम इसे रब कर देंगे और फिर हल करेंगे यहां से। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गए, इसके फैक्टर करने हैं और एक्स का माना जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जीप्ट के पास कितने कंचे थे और जून के पास कितने कंचे थे। ठीक है, चलिए तो फिर से मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर इसे सार को रफ करके करता हूं। तो देखिए मैंने नीचे का जो था वो रफ कर दिया गया है, अब हम ये जो क्वेश्चन थी मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, तो देखिए इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो इसका आगे एक लिखा है, एक की गुणा 324 करेंगे 324 आएगा, तो इस 324 के ऐसे फैक्टर जो देखिए प्लस का ये चिन्ह देखते हैं जो जोड़ के कितना है 45, तो फैक्टर करेंगे इसके, देखिए दो से काटिए, दो करना दो छह बारह, दो दूरी चार, दो अट्ठे सोलह, दो करना दो, तीन से काटिए, तीन दूरी छह, तीन सत्तर इक्कीस, तीन से काटिए, तीन नौ सत्ताईस, तीन से काटिए, तीन किया नौ, तीन से काटिए, तीन करना तीन, ये फैक्टर आ गए। अब इन गुणखंडों को, इन फैक्टरों को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जोड़ के 45 आना चाहिए, गुणा करके 324 आना चाहिए, तो फैक्टर तो इसके ही है, तो गुणा करके तो आएंगे लेकिन जोड़ के एडजस्ट कर लो कैसे। देखिए तीन तीन नौ, नौ दूरी अठारह, अठारह दूरी छत्तीस, प्लस तीन तिया नौ, छत्तीस और नौ जोड़े कितना आएगा, नौ छह पंद्रह पांच, ऐसे लगा एक और तीन और एक चार, देखिए फैक्टर हमें मिल गए 36 प्लस 9, तो करिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स ऐसी प्लस 324 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर ऐसी माइनस का खोलिए 36 एक्स, ये माइनस खोलेगा 9 एक्स प्लस 324 बराबर जीरो, इसमें कॉमन बताइए, एक्स कॉमन है एक्स माइनस 36, इसमें बताइए 9 कॉमन है एक्स माइनस 36, देखिए नौते सत्ताईस बचे रहते हैं, सत्ताईस और तीन पांच, नौ छम चौवन, ठीक है, चलिए बराबर जीरो चल रहा है, इसके साथ ही लेंगे एक्स माइनस नौ, एक्स माइनस 36 बराबर जीरो। देखिए एक बार इसे रखेंगे एक्स माइनस नौ बराबर जीरो, तो एक्स का मान आ गया नौ, एक बार एक्स बराबर माइनस के 36 को जीरो रखेंगे, एक्स बराबर आ गया 36, तो देखिए x के दो मान निकल के आए हैं। ठीक है, अगर देखिए ये कह रहे हैं कि x का मान अगर 9 है तो यानी कि जोन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, तो जीप्त के पास कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये रफ कर रहा होगा, है ना,
देखिए दो मान यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट हुए हैं, लोन ले सकते हैं, या तो जो उनके पास लोन कच्चे होंगे, लो होंगे तो जिप्ट के पास आ जाएंगे आपके पास, और या एक्स कितना 36 होंगे तो जिप्ट के पास का लो होंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से एक्स बराबर लो लेने पर, जब एक्स तो बराबर नो लिया तो जोन के पास के पास तंचों की संख्या की संख्या बराबर कितनी होगी, दो। ठीक है, जीवती के पास कितने हो जाएंगे, टी के पास के है ना, के पास तंचों की संख्या बराबर 45 माइनस नो, 45 में से दो जाएगा 36 बचेगा या है ना। तो ये कह रहे हैं जोन के पास कितने कंचे हो गए, दो, तो जिप्ट के पास कितने हो गए 36। लेकिन अगर x बराबर 36 लेने पर तो जोन के पास पास कंचों की संख्या कितनी हो गई 36, तो जिप्ट के पास कितने हो जाएंगे, जिप्टी के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए 45 माइनस 36 नो है ना। इस तरीके से हमारे दो दो मान स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर जोन के पास नो होंगे तो जिप्टी के पास 36, उसके पास 36 होंगे तो उसके पास नो होंगे। तो इस तरीके से दो मान फाइंड हुए, इसलिए मैंने दोनों आपको रख के दिखा दिए। तो आपको इस पार्ट में इतना ही कहना था, हमें यह बताना है प्रारंभ में जो जिप्टी के पास और जोन के पास कितने कितने कंचे थे। तो हमने बता दिया कि जोन के पास 9 थे तो जीप्ति के पास 36 थे, ये जोन के पास 36 थे तो जीप्ति के पास 9 थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हल करना था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगला इसका उदाहरण करेंगे और उसके बाद दूसरा उदाहरण और सीधा फिर प्रश्न 4.2 है ना। तो थोड़ी देख रहे होंगे आपके जो जाड़ा है वो अच्छा हो रहा है, इसी वजह से तबीयत मेरी खराब हो गई थी बीच में, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, आज भी थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज अपना डाल दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।